हेलो फ्रेंड्स मैं हूं धर्मेंद्र और आप देख रहे हैं चैनल योर एग्जाम गोली आप सभी का आपके अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है तो दोस्तों फाइनली आखिरकार आज आप लोगों को मैं गुड न्यूज लेकर आ गया जी हाँ दोस्तों मैं बात करने वाला हूं आरपीएफ एंसलरी कैंडिडेट 2019 के बारे में दोस्तों आप सभी को पता होगा आप लोग बहुत लंबे टाइम से डिमांड कर रहे थे कि सर आखिरकार हमारी ज्वाइनिंग कब होगी कुछ बताइए आखिरकार ज्वाइनिंग डेट कब है तो दोस्तों आज आपको आपकी परिश्रम का फल मिलने वाला है आपने अभी तक जितना परिश्रम किया एक दो साल के समथिंग समथिंग आज आपको उसका फल मिलने वाला है आपको मैं बताने वाला हूँ कि आखिरकार आपकी की ज्वाइनिंग होगी तो कब होगी जी हाँ दोस्तों चलिए बढ़ते हैं आगे आप सभी को यह चीज बताते हुए मेरे को कितनी खुशी हो रही है मैं खुद नहीं बता सकता दोस्तों आपको भी क्यों ना होगी आपको पता होगा इस चैनल ने आप लोगों के फॉर्म डालने से लेकर अभी तक जब तक आपकी ज्वाइनिंग नहीं होगी जब तक आपका साथ देने का वादा किया था जो कि आज पूर्ण होने को जा रहा है जी हाँ दोस्तों बस आप लोग मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहें मेरे को बहुत ज्यादा तसल्ली मिलती है चले फ्रेंड्स मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिरकार आपकी जॉर्निंग कब है तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे हम आ गए हैं उस नोटिस पर जहां पर आप लोगों की डेट के बारे में बताया गया है दोस्तों आप देखिए भारत सरकार रेल मंत्रालय रेलवे बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रेलवे बोर्ड आप यहां पे देख सकते हैं प्रिंसिपल चीफ सिक्योरिटी कमिश्नर यहाँ पे एप ऑल जोनल रेलवेज न्यू डेली डेट उन्नीस आठ दो हजार बीस आज ही की डेट में रिलीज हुआ है और हम देख पाएंगे नीचे क्या दिया है आप देखिए दोस्तों यहाँ पे प्रिंसिपल चीफ सिक्योरिटी कमिश्नर जे फोर्स हेड क्वार्टर यहाँ पे दिया है आप देखिए नीचे सब्जेक्ट इनिशियल ट्रेनिंग ऑफ कॉन्स्टेबल एंड सलरी रिक्रूटेड बाय यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर थ्री टू थाउजेंड तो एटीन चलिए हम बढ़ते हैं आगे यहाँ पे देख सकते हैं आज अप्रूव्ड बाई डी जी आर पी एफ द इनिशियल ट्रेनिंग ऑफ कॉन्स्टेबल रिक्रूट एक्सलरी मेल एंड फीमेल हेल्थ बीन शेड्यूल यहाँ पे दिए गए डेट सात नौ दो हजार बीस फॉर फिफ्टी सिक्स डेज अस्ट पर ट्रेनिंग मैनुअल ऑफ फॉलोइंग ट्रेनिंग सेंटर्स तो मतलब की आज तारीख क्या है उन्नीस आठ दो हजार बीस आपको जाना है कब सात नौ दो हजार बीस ओके नेक्स्ट मंथ अभी आठवां महीना चल रहा है क्या है आज है उन्नीस अगस्त आपको जाना है क्या सात सेप्टेम्बर ओके दो हजार बीस को आपके जो सारे सेंटर्स यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं आप देख सकते हैं ट्रेनिंग सेंटर एलोकेटेड जोन मतलब कि यहाँ पे जो ट्रेनिंग सेंटर्स दिए गए हैं यहाँ पर आपके जोन दिए गए हैं इन इन जोन के कैंडिडेट को इन ट्रेनिंग सेंटर्स में जाना है आप देख सकते हैं जेड टी सी यहाँ पे कोई क्या है एनडब्ल्यू आर और डब्ल्यू सी आर एंड आर पी एस एफ इन जोनल वाले यहां पर जाएंगे ओके चलिए देखते हैं नेक्स्ट अगला है जेड टी सी दामोहिनी यहाँ पर जाना है ई आर जोन एन ई आर जोन एंड एन एफ आर जोन वालों को फिर नेक्स्ट देख सकते हैं जेड टी सी खरगपुर यहाँ पे जाना है सी आर इन e -E के जो कैंडिडेट्स बिलोंग करते हैं इन जोन से तो इनको जाना है खड़गपुर के लिए नेक्स्ट और देख सकते हैं यहाँ पर कंसरा पारा क्या है तो दोस्तों यहाँ पर ई सी आर और एनआर बारो को जाना है यहाँ पर कंसरा पारा में फिर यहाँ पे बलसाद में जाना है लेडी रिक्रूट्स एंड सैलरी फॉर ऑल जोन रेलवे मतलब कि जो गर्ल्स हैं जो लेडीज हैं उनको यहाँ पर बलसार ट्रेनिंग सेंटर पहुंचना है तो दोस्तों यहाँ पर जो मोस्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट आपकी जो न्यूज थी वो मैंने आपको दे दी आपका जो ट्रेनिंग पीरियड रहेगा वो फिफ्टी सिक्स डेज का रहेगा समथिंग समथिंग डेढ़ माह का ओके दोस्तों तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अच्छे से अपने सेंटर को देख लें और सर्च कर लें आपको नेक्स्ट मंथ की सात तारीख को वहां पर पहुंचना है शेड्यूल बोला गया है सात नौ दो हजार बीस को ओके चलिए और नेक्स्ट देखते हैं इंपॉर्टेंट क्या बोला है तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं द दफ्सर फॉर्म द कॉन्सल्ट जोनल रेलवे रिकॉर्ड पर्सनल फोल्डर यहाँ पे डोज द कैंडिडेट एट कॉन्सर्टीसी यहाँ पे फॉर द इट इज एडवाइस दैट पुलिस वेरिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टेबल रिक्रूट एंसिलरी यहाँ पर रिसिप टिल चार नौ दो हजार बीस में ऑल्सो बी सेंड फॉर इनियल ट्रेनिंग एट कॉन्सल्ट तो दोस्तों आपका जो पुलिस वेरिफिकेशन के बारे में बोला गया है कि चार नौ दो हजार बीस तक आपको एनी हाउ किसी भी कंडीशन में प्रोवाइड कराना है जिनका नहीं हुआ उनके लिए और आप अच्छे से रीड कर लेना चलिए यहाँ पे और नेसेसरी एक्शन इज द रिकॉर्ड में बी टेकन अकॉर्डिंगली एंड यहाँ पे कॉम्प्लेक्स में प्लीज बी सेंड टू द दफ्सल पॉजिटिवली प्लीज तो दोस्तों आपको यहाँ पर सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ ये सारी चीजें सेंड कर देनी है यहाँ पर देख सकते हैं संतोष चंद्र डी आई जी आर टी रेलवे बोर्ड ओपे कॉपी टू प्रिंसिपल जे टी सी आर पी एफ ये सारी चीजें आप पढ़ लेना तो दोस्तों मैंने आपको इतनी मस्त गुड न्यूज दी है आप लोग आप तैयार हो जाइए अपने वर्क के लिए अपनी जॉब अपने हाथ में आ गई है समझो है ना नेक्स्ट मंथ में आप लोगों की जो ट्रेनिंग है वो स्टार्ट होने वाली है जैसे कि मेरे पास बहुत से कैंडिडेट के कमेंट्स देखने को आते थे सर ट्रेनिंग पीरियड कितने टाइम का रहेगा कितने दिन की ट्रेनिंग रहती है तो मैंने बोला भी था कि आप लोगों का जो ट्रेनिंग पीरियड रहता है वो ज्यादा लंबे टाइम का नहीं रहता मान के चलिए बहुत से बहुत एक से दो महीने के अंदर अंदर रहता है और आप यहाँ पे देख सकते हैं फिफ्टी डेज ओनली जी दोस्तों आप लोगों का जो ट्रेनिंग है ऐसा नहीं है कि तीन तीन चार चार महीने का रहता हो तो दोस्तों मैंने आपको यहाँ पर गुड न्यूज दी है उम्मीद है आप लोगों को यह वीडियो मिली होगी और यदि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें तो और अच्छा होगा ताकि जिन कैंडिडेट के पास यह इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंची जानकारी नहीं पहुंची उन तक यह जानकारी प्रोवाइड हो जाए ओके ताकि वो भी टाइम से पहुंच सकें अपने अपने सेंटर्स ओके दोस्तों बस यही सब बोलना चाहूंगा अभी भी आपके मन में कोई डाउट है कोई कमेंट्स है तो बेझक पूछे बिल्कुल आपका अंतिम रूप तक साथ देगा और अब तो हमेशा के लिए साथ देंगे ओके फ्रेंड्स तो चलिए फ्रेंड्स लेते हैं आपसे विदा आपके मन में अभी कोई डाउट है तो कमेंट्स कर दें और एक चीज दोस्तों जैसे आप लोगों की ट्रेनिंग होती है तो मस्त मिठाई के डब्बे तैयार रख लेना मैं आऊंगा आप लोगों के यहां पर खाने के लिए ओके चलिए टेक केयर